इस प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन को बनाएंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खूबसूरत भी है। जिसके लिए जो है हमें स्लीव्स के लिए फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लेंगे। इनके बाद जो है ऊपर में हमें 3 इंच पे एक मार्क करना है और एक मार्क जो है यही से 2.5 इंच पे करना है। इनके बाद जो है हमें स्लीव्स का डिज़ाइन को देना है। यही से लेंथ लेंगे। लेंथ में यहाँ पे 7 इंच रखूँगे और यहाँ पे मोहरी का मार्किंग कर लूँगी। मोहरी है मेरा यहाँ पे 10 इंच, 10 का हाफ होगा 5 इंच, 2 इंच लिए हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। इस लाइन को यहाँ से मिला लेंगे। इनके बाद जो है हमें स्लीव्स को कट करना है। स्लीव्स को कट कर लेंगे। इनके बाद नीचे से जो है एक मार्किंग जो है वो 1.5 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से जो है तिरछा में लाइन को ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरह से। इनके बाद फिर इस तरह से हमें डिज़ाइन को बनाना है। डिज़ाइन को मार्किंग करने के बाद जो है वो कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स का डिज़ाइन खुलने से इस तरह से आएगा। इनके बाद जो है हमें फिर एक फैब्रिक को लेना है। फैब्रिक को इसी तरह से हमें डबल फोल्ड में करना है और जैसा स्लीव्स का डिज़ाइन है स्लीव्स को इसके ऊपर में रखकर सेम मार्किंग जो है वो कर लेंगे। इनके बाद जो है यहाँ पे 1 इंच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसको भी जो है कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से स्ट्रिप को निकालना है और यहाँ पे जो है स्लीव्स के ऊपर में हमें राइट साइड के ऊपर में स्ट्रिप को रखना है और पूरे में सिलाई को लगाना है। अब स्ट्रिप को जो है छोटा छोटा इस तरह से कट्स को लगाना है। इनके बाद जो है इसको उल्टा तरफ को फोल्ड करेंगे, पलट के इस तरह से फिर 1/2 इंच का फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करके फिर इसमें जो है सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पे सुई और धागा लेना है। इनके बाद हमें यहाँ पे मोती लगाना है, बीट्स। इसी तरह से 2-3 और भी मोती को यूज़ कर लेंगे। इनके बाद फिटिंग की सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया, स्लीव डिज़ाइन। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पा सकें।